हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग का लास्ट, यानी गॉस के लास्ट अनुप्रयोग क्या थे। गॉस के नियम का जो लास्ट अनुप्रयोग वो था आपका था आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे। हमने क्या बताया भैया, गोली आवेश के कारण, सॉरी आवेशित गोली कोष, यानी कोई ऐसा गोली कोष है जिस पे आवेश रखा गया है, जिस पे आवेश वितरित है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो ज्ञात करेंगे। जितने अनुप्रयोग आपने पढ़ा है, हर एक अनुप्रयोगों से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये अनुप्रयोग रहने वाला है और बोर्ड के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, आप इस क्लास को मिस नहीं करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही पुरानी बातें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर देंगे। आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। समझिएगा, हमने आपका समय का बचत करने के लिए पहले से ही डायग्राम बना के रखा है। डायग्राम हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा कि माना ये कोई गोली कोष है, ये कोई क्या है भैया, गोली है कोष है, जिस पे जिसकी जो त्रिज्या है, जिसकी त्रिज्या क्या है भैया, कैपिटल आर है। माना कोई गोली कोष है जिसकी त्रिज्या क्या है भैया, कैपिटल आर है। ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो नीले रंग से हमने बनाया है, ये कोई गोली कोष है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इस ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु हम लोग क्या ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, जिस पे हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने क्या बताया भैया, हमने आपको बताया कि इस केंद्र ओ से, गोले के केंद्र ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप ध्यान से समझिएगा, जब इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग इस पे एक गोली गॉसियन पृष्ठ की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। ए भैया, ये क्या है जानते हैं, ये गॉसियन पृष्ठ है। क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। ठीक, बातें समझ में आई। अब बिंदु पी पे एक गॉसियन पृष्ठ की क्या कर लिए, कल्पना कर लिए। आइए जो चीज हमने किया है वो चीज लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं भैया, माना, ठीक, माना आर मीटर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है। क्या है भैया, कोई गोलीय चालक है, ठीक, गोलीय चालक है, ठीक। गोले के केंद्र ओ से, या ऐसे लिख सकते हैं, जिस पर फैले हुए आवेश की मात्रा, जिस पर फैले हुए आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्या है, क्यों है, आवेश की मात्रा क्या है, क्यों है, जिस पर फैले हुए आवेश की मात्रा क्यों है, गोले के केंद्र ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बातें क्लियर हो गई डियर स्टूडेंट, तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए ठीक, अब इस ई पर ध्यान से समझिएगा। अब आप एक बात यहाँ से ध्यान समझिएगा, हमने क्या कहा, इस बिंदु पी पर एक हम लोग एक छोटा सा भाग काट लेते हैं। इस जो गॉसियन पृष्ठ है, जो आपने एक गॉसियन पृष्ठ का एक कल्पना किया है, उस गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा भाग हम लोग क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, जिसकी दिशा किधर है, बाहर की तरफ है। तो कटे हुए जो गॉसियन पृष्ठ की दिशा बाहर की तरफ हुआ और जो गोली चालक से विद्युत बल रेखाएँ निकलती हैं वो
विद्युत बल रेखाएं भी बाहर की तरफ निकलती हैं, यानी यहाँ ई और डी एस के बीच का जो कोण है वो जीरो बन रहा है। यानी भैया एक बार फिर से समझिएगा, ये कटे हुए डी एस और विद्युत बल रेखा ई के बीच का जो कोण है, यहाँ थीटा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग निकालने चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे डीएस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे? गॉसियन पृष्ठ के सूक्ष्म भाग डीएस से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। तो छोटा सा वैद्युत फ्लक्स भी होगा। डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। पर वहाँ ए क्षेत्रफल होता था, यहाँ क्षेत्रफल क्या है? डीएस है। तो ई इंटू डी एस इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यहाँ थीटा बराबर क्या है? जीरो है, तो थीटा बराबर जीरो हो जाएगा। तो डी फाई बराबर ई इंटू डी एस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा का मान जीरो रख देंगे तो कॉस जीरो अंश का मान एक हो जाएगा। तो इस प्रकार आप छोटा सा वैद्युत फ्लक्स निकाल लिए। पर मुझे क्या निकालना है? गोले के कुल पृष्ठ से, इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो अब आगे हम लोग क्या निकालेंगे? आगे अतः पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या मान लेते हैं? फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, छोटे से वाले वैद्युत फ्लक्स का समाकलन। अब डी फाई का मान हम लोग रख देते हैं। डी फाई का मान क्या है यहाँ पर? ई इंटू डी एस, ठीक, इंटीग्रेशन। अब जिनका समाकलन नहीं होगा उनको हम लोग क्या कर लेंगे? बाहर। तो जो विद्युत बल रेखा ई है वो कांस्टेंट है, वो नियतांक है, उनको हम बाहर कर लेंगे। ये हो गए डी एस, ठीक। अब ये जो डी एस है ये पूरे गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और गोली पृष्ठ का आप क्षेत्रफल जानते हैं, चूँकि यहाँ लिख देंगे ये बातें हम लोग यहाँ नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? डी एस बराबर गोले का क्षेत्रफल, और जो कि किसके बराबर होता है आप जानते हैं, जो कि किसके बराबर होता है? गोले का क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr², ठीक, 4πr², जहां r क्या हो जाएगी? गोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये मान यहां रखते हैं, फाई e बराबर क्या होगा भैया? e इंटू डी एस। तो इतने पूरे के स्थान पे क्या रख देंगे? 4πr², समीकरण नंबर एक। अब क्या करेंगे? गॉस के नियम से फाई ई किसके बराबर होता है? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। गॉस का नियम यही है भैया, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण दो से या समीकरण एक से फाई ई का मान समीकरण दो में रखने पर समीकरण एक से फाई ई का मान समीकरण दो में रखने पर तो समीकरण दो क्या है? यही है। तो फाई ई का मान हम लोग क्या रख देंगे? ई इंटू 4πr² बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ई का मान ज्ञात करना है तो हम लोग इनको इधर भेजेंगे, तो ई बराबर क्या आ जाएगा? 1 बटे 4π, इधर गया तो बटे में हो जाएंगे, तो 4πε₀ क्यू बटे r², तो गोले से r मीटर की दूरी पर जो बिंदु P थी उस बिंदु P पर
परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² होगा, जहां Q क्या है, गोले पर फैला हुआ आवेश की मात्रा है, और R क्या है भैया, बिंदु P की दूरी है, गोले के केंद्र O से बिंदु P की दूरी है। तो डियर स्टूडेंट, यही दूसरी स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति क्या होती है, दूसरी स्थिति यदि जो ये बिंदु P है वो गोले के पृष्ठ पर हो, यदि जो ये बिंदु P आपने बनाया है, ये बिंदु P कहाँ पर हो, गोले के पृष्ठ पर हो। तो यहाँ लिखेंगे यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, गोले के पृष्ठ पर हो, अर्थात तब क्या हो जाएगा, तब जो स्मॉल r दूरी है वो गोले के पृष्ठ पर, ये जो आपने काटा हुआ पृष्ठ है, ये जो छोटा सा पृष्ठ है बिंदु P, वो बिंदु P अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ये दूरी हो जाएगी, और ये दूरी किसके बराबर है, कैपिटल R के। तब जो स्मॉल r है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर। तब क्या होगा भैया, बताइए जरा सा डियर स्टूडेंट, देखिएगा। तो जहाँ ये R है वहीं क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो E बराबर 1/4πε0 Q/R का क्या हो जाएगा वर्ग। ये रहा गोले के पृष्ठ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं, मानते हैं, जस्ट इमेजिन करते हैं कि ये जो बिंदु P है वो इस बार यहाँ गोले के अंदर स्थित है, ये जो गोली चालक है उस गोली चालक के अंदर स्थित है। ध्यान समझिएगा, इस बार ये जो बिंदु P है वो बिंदु P इस गोली चालक के अंदर स्थित है। ये जो बिंदु P है ना, ये जो बिंदु P है इस बार यहाँ स्थित है, गोली चालक के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया, गोली चालक के अंदर स्थित है। ये जो बिंदु P है वो गोली चालक के अंदर स्थित है। ध्यान से समझिएगा, सेम प्रोसेस होने वाला है, जैसे यहाँ E और DS हुआ था वैसे ही यहाँ पर होगा। अब एक मिनट, अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन बनता होगा कि सर एक बार बिंदु P यहाँ लाए, एक बार यहाँ लाए, एक बार यहाँ लाए, वो तीन आपको अलग अलग स्थितियाँ पढ़नी है प्यारे बच्चों। एक बार बिंदु P यहाँ रखना है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो सभी जगह E और DS के बीच का जो कोण बनने वाला है वो शून्य ही बनेगा, ठीक भैया। और ये हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली है, ये वाले, ठीक भैया। तो अब क्या करेंगे, यदि बिंदु P गोली चालक के अंदर हो, तो ये देखिए बिंदु P इस गोली चालक के क्या आ गया, अंदर आ गया। तो लिखेंगे तीसरी स्थिति क्या बनाएंगे, तीसरी स्थिति हम लोग यहाँ बनाते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ तीसरी स्थिति क्या होगी, ये आपकी दूसरी स्थिति थी, ये पहली स्थिति थी आपकी, ये तीसरी स्थिति क्या है, यदि बिंदु पी गोले के अंदर हो, इधर दिखाई पड़ रहा है, गोले के अंदर हो, यदि बिंदु पी गोले के अंदर हो, यदि जो बिंदु पी है भैया वो कहां पर हो, गोले के अंदर हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो ध्यान से समझिएगा, फिर से यही प्रोसेस करेंगे, इस बार क्या लिखेंगे, पी, ये जो ये है बिंदु पी, तो देखिएगा गोल इससे गुजरने वाला, या तो अगर आपको ये सब नहीं करना है तो ज़रूर कर सकते हैं। देखिए आपने क्या कहा, यदि बिंदु पी गोले के अंदर हो, तो लिखेंगे तब गॉसियन पृष्ठ से, या लिखेंगे ऐसे, एक मिनट, ये पॉइंट आप पी डैश बनाइएगा, क्या बनाएंगे, यदि जो पी है वो क्या हो जाए, गोले के अंदर हो जाए। तो ये गोले के अंदर आया, एक मिनट जरा सा, आप लोग ये गोले के अंदर आया। अब ये दूरी हम मान लेते हैं R डैश दूरी, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या मान लेते हैं, R डैश। तो लिखेंगे तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या गोले जब P के अंदर हो तो अतः गोले के अंदर स्थित बिंदु P से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स
होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई इंटू आपने पढ़ा था डी एस इंटू कॉस थीटा, यहाँ थी इंटीग्रेशन रहता था, थीटा बराबर क्या था जीरो, तो जब थीटा जीरो रखते थे तो फाई ई बराबर ई इंटू कितना डी एस कॉस जीरो अंश का मान एक, और ई का इंटीग्रेशन नहीं होता था तो ई क्या हो जाता था बाहर हो जाता था। आप जानते हैं जो ये डी एस होता है ये गोले का क्षेत्रफल होता है जो 4πr, तो इस बार r नहीं है भैया, r डैश हो चुका है, तो 4πr डैश का स्क्वायर, तो ये चीज़ हम यहाँ रखेंगे, तो फाई e बराबर e इंटू 4πr डैश का स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना बना चुके हैं आप लोग, दो तक बना चुके हैं, तो समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे गॉस के नियम से, किसके नियम से, गॉस के नियम से। ए भैया गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम कहता है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। आप ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ क्या है जो क्यू है, जो क्यू है वो गोली चालक के बाहर फैला हुआ है, देखिए ये जो क्यू है वो गोली चालक के बाहर है न कि अंदर है, यानी गोली चालक के अंदर क्यू आवेश नहीं है, तो गोली चालक के अंदर क्यू का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ये बातें हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि आवेश गोले के बाहर है, गोले के बाहर है, अतः गोले के अंदर आवेश क्यों जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ये बातें आप ध्यान से समझिएगा, तो क्या करेंगे अब यहाँ क्यू का मान जीरो यहाँ पर रख देंगे, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा जीरो। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 व 4 से देखा जाए, आप देखेंगे तो ये देखिए समीकरण 3 क्या है फाई ई बराबर जीरो, समीकरण 3 ये है और समीकरण 4 ये है, तो ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो ये दोनों पक्ष भी बराबर होंगे, तो समीकरण 3 व 4 से ई बराबर क्या आ जाएगा जीरो, ई बराबर क्या आ जाएगा जीरो, क्यों, क्योंकि इसको आप जीरो के बराबर करोगे तो ये पक्ष भी आपके जीरो हो जाएंगे। अर्थात भैया डियर स्टूडेंट, जो यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित होगा तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यदि बिंदु P गोले के बाहर होगा तब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर होगा तब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। तो अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ज़रूर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा और कंटिन्यू रोज की लेक्चर को आप उस पर लिखते चलते रहिएगा, और जब टेस्ट लिए जाएंगे तो आप लोग टेस्ट में ज़रूर शामिल होंगे। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आइए तो वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों के साथ आज के लेक्चर को शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ते रहिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।